जी, आपका नाम? मेरा नाम निशांत, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, वैसे रहने वाले मैं सोनीपत का हूँ। संस्था के बारे में आपको कैसे पता चला? संस्था में मेरी बुआ जी आती हैं तो उनसे हमें पता चला यहाँ आने के लिए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए? मेरे को यहाँ कई साल हो गया आते हुए। किन परेशानियों को लेकर के आप गुरुजी के पास आए थे? ज़्यादातर तो बच्चों की बीमारी को लेके, मतलब नौकरी स्टेबल नहीं थी उसके लिए परेशान होकर आया था। तो बच्चों की बीमारी के लिए आए थे तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया? डॉक्टर से आराम नहीं हुआ ना, तो जब भी तो यहाँ आया। एक डॉक्टर से आराम नहीं हुआ, आप डॉक्टर बदल भी तो सकते थे। मैंने डॉक्टर बदले, मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। अभी पीछे गुरुजी बैठते भी नहीं थे तो मेरा बेटा, मतलब पिछले 3-4 दिन से खाना वाना उसने सब कुछ छोड़ दिया था, और मैं उसको गुड़गांव से मगर एडमिट करवाना भाई सोनीपत लेके चल रहे हैं, मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, कपड़े वपड़े ले लिए मैं, पर गुरुजी वहाँ आश्रम में मिलते हुए जब जाएंगे मैं रिक्वेस्ट कर लेंगे, अगर गुरुजी मिलेंगे तो एक बार मिलेंगे, नहीं तो एडमिट करवाएंगे उसको। हम लेके आए उसको, उसने 4 दिन बाद तो यहाँ आके रोटी खाई एक, अरे गुरुजी हमें मिले, गुरुजी को कहीं जाना था तो दर्शन हुए। शाम तक वो उसको बिल्कुल नॉर्मल बुखार हो गया, उसका कोई बुखार नहीं, हमने यहाँ आने के बाद उसको दवाई भी नहीं दी। तो मतलब ऐसे हुए कि मतलब रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे हुए, तो इसलिए मैं डॉक्टर के नियम सीधे घर वापस चले गए, मगर हो गया भाई ठीक है। और उसने खाना भी खाया यहाँ आके, मतलब उनके सिर्फ दर्शन मात्र से? दर्शन मात्र से, हाँ। मैं घर से सोच के आया था, पैसे लेके आया था कि आज भी एडमिट करवाना ये, और मगर मिलते हुए चलेंगे, गुरुजी से पूछ लेंगे, गुरुजी गुड़गांव करवाएं या वहाँ करवाएं। मतलब कि आप इधर आए सिर्फ दर्शन मात्र से, ऐसा क्या खास था गुरुजी के दर्शन में? वो पता नहीं, मेरे लिए तो एक चमत्कार था वो। आप चमत्कार मानते हो? हाँ, मेरे तो लिए तो सोच के आया था मैं, गुरुजी बस आस आप पे है, जो आप बोलोगे वो करेंगे हम। ऐसे मैंने कई बार नौकरी का पूछा, मैं गुरुजी दूसरी अच्छी मिल रही है, छोड़ दूँ नहीं छोड़ दूँ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी सलाह दी, और आज मैं उस पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं वो जो गुरुजी के कहने पर जो मैंने किया वो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। आपको, आप अचानक से आए, उनसे बातचीत की, उन्होंने समस्याओं को ठीक करने के बोल दिया, आपको विश्वास कैसे हुआ इस बात के ऊपर कि भाई इन्होंने बोला तो ठीक? वो मैंने गुरुजी पे विश्वास करा, गुरुजी ने मेरे पे विश्वास करा, गुरुजी ने नाम बताया कि भगवान का नाम ले भाई उस पे, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मतलब आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना बताया? हाँ, भगवान का नाम लेना बताया आज तक, बस कहते हैं भाई राम रटो, और वो भी मैं बहुत कम लेता हूँ। गुरुजी कहते हैं भाई नाम कम लेता है तू, हाँ गुरुजी कब लेता हूँ, बोला भाई बैठा कर। मतलब सिर्फ भगवान का नाम लेने से आपकी समस्या? हाँ, वो जब भी उनके पास जाते हैं दर्शन करते हैं वो पहले बता देते हैं, हाँ भाई ये कर रखे तो नहीं अब की बार मगर। भगवान का नाम लेने के अलावा आपको उन्होंने और कुछ नहीं बताया, कुछ करने के लिए बोला? नहीं, कभी कभी कुछ भी नहीं। आता हूँ मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है गुरुजी के दर्शन करके, कई बार तो मैं खाली दर्शन करता हूँ, बोला भाई हाँ बता भाई समस्या, माँ जी कोई नहीं आपने सब कुछ देख लिया, बोला हाँ ठीक है मैं देख ले। मतलब सिर्फ दर्शन के लिए? दर्शन के लिए मैं गुड़गांव से आता हूँ और अपने वापस चला जाता हूँ। तो गुरुजियों ने आपको कुछ, जो गुरुजी हैं उनके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहोगे भी, वो कैसे हैं? मैं बताता हूँ, कई मेरे साथ भी आते हैं गुड़गांव से भी मेरे साथ आते हैं, उन्होंने गुरुजी का नाम भी ले लिया, जब उन्होंने देखा उनका घर में फ़र्क पड़ा, आराम हुआ सब चीज़ों में, मतलब उन्होंने गुरुजी ने उनको बिना पूछे उनसे उनके घर के बारे में सब कुछ बता दिया, तो उन्हें भी हैरानी हुई कि भाई इस आदमी को कैसे पता हमारे घर के बारे में, और फिर गुरुजी ने उनको आराम लगा तो वो भी कहते हैं भाई आपने हमें थैंक्स बोलते हैं वो। मतलब कि आने से वो अपने आप ही बता देते हैं सब कुछ? हाँ, गुरुजी आप लोगों को समस्याएं बता देते हैं भाई, आप लोगों को उनके सामने कुछ नहीं बोलना पड़ता? नहीं, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है गुरुजी की, वैसे तो आप जैसे मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ तो गुरुजी को तो मेरे बारे में तो सब कुछ पता है, तो इसलिए गुरुजी अपने आप ही बता देते हैं, वो हिंट दे देते हैं भाई समझ जा लड़के सही नहीं है तू, तो वैसे ऐसे करके बता देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।